गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम आचार्य कुलदीप सक्सेना फ्रॉम DPS BMIC बिलारी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन टुडेज ऑनलाइन वीडियो. स्टूडेंट्स, इन दिस ऑनलाइन वीडियो टुडे आई शैल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 गिवन इन योर मैथमेटिक्स बुक्स एंड इन चैप्टर डाटा हैंडलिंग. सो now we come to the exercise. In this exercise, your first question is that, this is question 1, and this question is saying that find x in the following figures. आपको यहाँ कुछ figures दिए जाते हैं और उस figures में बेटा यहाँ आप you can see x angle, okay? And in this figure, this is x, but what is the measurement of these axes? We don't know. So we have to find out the value of this x angle. Okay. But how? Now in solution, we can write. Beta, you know that this is a polygon. ये क्या है? Polygon है. Made up of 3 lines. ये कितनी lines से बनता है बेटा? देखिएगा, ये this is first line. ओके, फर्स्ट साइड, एंड दिस इज सेकंड साइड, एंड दिस इज थर्ड साइड. ओके, तो इन दिस वे वी सी 3 साइड्स इन दिस पॉलीगॉन. ओके, एंड वी कैन कॉल इट अ ट्रायंगल. हम इसको ट्रायंगल कह सकते हैं, बट इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है बेटा, बताइए, सोचिए, वो होता है 360. जानते हैं ना आप? तो हम उसी बेटा इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे. देखिएगा, ये बेटा ये एक्सटीरियर एंगल हैं आपके, है ना, इंक्लूड इंटीरियर एंगल अंदर बनते हैं, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है. तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हम क्या लिखेंगे, इसके नाम अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी. तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल ए है बेटा, एंगल ए प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री. तो हम एक्सटीरियर एंगल सम बेटा उसको प्लस कर देंगे. जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एक्स मान लीजिए, या एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तीनों को हम कितना कर देंगे, 360. तो एंगल ए हमारे पास कितना है, एंगल ए बेटा आपके पास 125 एक्सटीरियर है ये, और प्लस एंगल बी आपका कितना है, ये भी आपके पास है बेटा 125, और प्लस एंगल सी हमें एक्स लेना है, यानी कि हमें जब एक्स दे रखा है तो हम इसको एक्स यहाँ लिख देंगे और टोटल हमारा कितना बन गया, 360. अब हम क्या करेंगे बेटे, एक्स की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, 360 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, ये 125 दोनों ऐड कर लेंगे और इसको 360 में ले जाकर क्या करेंगे, 250 डिग्री हो जाएगा, माइनस कर देंगे. क्लियर, इतना आप जानते हैं. और इस तरह से हमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी वो हमें इसमें से लेस कर देंगे, 360 में से 250, तो 110 फाइंड हो जाएगी, है ना. तो हमारी जो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होती है वो 360 में से 250 को लेस करके मिल जाती है, यानी कि कितनी आ जाती है, 110 डिग्री. ओके, एंड इन द सेम वे वी कैन सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर. हम यहाँ भी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, बट हाउ, इन सॉल्यूशन यू हैव टू राइट
बेटा ये 60 डिग्री, ये साइन आप यहाँ देख रहे होंगे, जब ये साइन ये बना होता है इस तरह से, ये ध्यान रखिए बेटा, ये साइन आपसे कहता है ये एक्सटीरियर एंगल है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये सब एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल डी और एक्सटीरियर एंगल ई, है ना। इनके नेम्स हम लिख देते हैं, पॉइंट नेम्स। तो अब इस तरह से आपको जो एक्सटीरियर एंगल दिखाई देते हैं, ये साइन जो दिखता है बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, है ना। इस तरह से जो स्क्वायर बना दिया जाता है यहाँ पर, ये हमें शो करता है कि दिस एंगल मेजर्स 90 डिग्री, ओके। एंड हेयर वी अनदर साइन हेयर स्क्वायर इन स्क्वायर फॉर्म, तो दिस शोज दैट दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल भी हमारा कितने का है, 90 डिग्री का हो जाता है। अब हम करते हैं, वही हम लिखेंगे बेटा, फ्रॉम द फिगर, फिगर से हम देखते हैं बेटा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना लिखेंगे हम, 360 डिग्री, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल्स हम जब प्लस कर देते हैं तो हमारा जो सम आएगा वो 360 डिग्री ही आता है। अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे बेटे, तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई, इन सब का टोटल हमारा 360 ही होगा, ओके। और आप, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दिस पॉलीगॉन, दिस इज़ अ पॉलीगॉन, ओके, बट दिस पॉलीगॉन इज़ मेड अप ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स। ये 5 साइड्स है तो दिस इज़ अ पेंटागॉन, ओके। ये पेंटागॉन हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे एंगल्स भी हमारे कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ए हमारे पास बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 60 है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 90 है, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास x है, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 70 है, प्लस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 90। तो हम 90 यहाँ लिख देंगे और इक्वल टू में कर दीजिए 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू आपको 360 में से क्या करना है, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे आप देख लीजिए, जो आपके बेटा ये, ठीक है, एंगल्स आपको दिखाई देते हैं 90 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, इनको ऐड कर लीजिए, ओके। कितना हो जाता है ये, 9 और 7 कितना है, 16, ओके। 16 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 25, 25 में 6 प्लस करेंगे तो 310, ओके। तो 310 हम ले जाकर साइड चेंज करेंगे तो 360 में से कितना माइनस कर देंगे, 310। यानी कि जो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इन सबको हमने RHS में ले जाकर यहाँ टोटल माइनस कर दिया, तो हमारे पास 360 में से माइनस 310 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 50 डिग्री आपका आ जाता है। यानी कि यहाँ पर इस पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल x है उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 50 डिग्री हो जाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बेटा। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ओके। मेजर आपको निकालना है किसका, एक्सटीरियर एंगल का, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, ओके, किसी रेगुलर पॉलीगॉन के। तो आप देखिएगा, एक पॉइंट पर ध्यान दें बेटा, ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज अ फिगर मेड अप ऑफ सम एटलीस्ट 3 लाइंस, ओके। कम से कम 3 लाइन से मिलकर पॉलीगॉन तो बनता ही है, 3 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, साइड्स होनी जरूरी हैं बेटा, तभी पॉलीगॉन आपका फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जब ये रेगुलर जुड़ जाता है, तो इस रेगुलर का मीनिंग होता है कि पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स हैं ऑल आर इक्वल, ओके। पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं।
लेकिन आपको यहाँ पर साइड्स दी जाती हैं 9 साइड्स। ये पॉलीगॉन हमारा जो है इक्वल 9 साइड्स का बना हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर व्हेन यू नो नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन, जब आपको किसी पॉलीगॉन में साइड्स दी जाती हैं या आपको साइड्स पता हो तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में बेटा एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट जो निकालते हैं कि हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन में, ये ध्यान रखना रेगुलर पॉलीगॉन में। तो इसके लिए आपका जो होगा बेटा वो होता है, देखिएगा आपका टोटल कितना होता है 360। ओके, इस 360 में यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स से हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स जो आपको साइड्स दी जाती हैं इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बेटा कितना बनता है 360 को, 360 डिग्री को आप किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, तो आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल जो मेजर करेगा 9 4 36 और 0 हम यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारा ईच एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 40 डिग्री का ही होगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्या किया एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट को फाइंड किया। ऐसे ही अब यहाँ करेंगे बेटा, ये बी क्वेश्चन आपका दिया जाता है, यहाँ अब आपको 15 साइड्स हैं। ओके, कितनी साइड्स हैं 15 साइड्स हैं, व्हेन यू नो साइड्स इज 15 यू मे फाइंड द मेजरमेंट ऑफ, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है मेजर्स कितना करेगा 360 को आप क्या करोगे बेटा 15 साइड से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला हमें यही लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स अपॉन में आएगा तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितने हैं 15 है, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो आप 15 2 36। ओके, 6 हमारा बचता है, 4 जा में फिर डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि हमारा जो ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आएगी वो 24 डिग्री आ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री इज सेइंग दैट हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। ओके, यहाँ आपको बेटा फाइंड जो करना है, फाइंड आपको साइड्स करनी है, ध्यान दीजिए है ना, पहले क्वेश्चन को आप ठीक से समझें फिर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो यहां कहते हैं हाउ मेनी साइड्स, हमें साइड्स फाइंड करनी है। ओके, डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन की होंगी या होती हैं इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24, यदि उस रेगुलर पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल होता है ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 24 डिग्री में। ओके, तो अभी आपने जो क्वेश्चन टू किया था उसका ये अपोजिट हो जाता है बेटा, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटे, सॉल्यूशन में अब आपको बेटा नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं आप कि नंबर ऑफ साइड्स, मैंने अभी आपको क्या दिया था कि नंबर ऑफ साइड्स जो होता है किसी भी पॉलीगॉन के, रेगुलर पॉलीगॉन की अगर आप साइड्स फाइंड करेंगे तो आपको बेटा क्या करना है 360 जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 को, ओके, क्या करेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन में ही फॉर्मूला यूज होगा, इसको आपको ध्यान देना है। ओके, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमें बेटा क्या मिलता है कि 360 डिग्री तो हमारे पास ये टोटल में है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल की मेजर है वो 24 डिग्री है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो देखिएगा 24 बन जा या 12 से पहले डिवाइड कर दें
12 थ्री जा 36, 30 ऊपर आएगा और 12 टू जा क्या होगा बेटा 24, 2 से फिर 30 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइड्स आ जाती हैं, कितनी आ जाती हैं 15 साइड्स, यानी कि हमारा जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें क्या होगा 15 साइड से फॉर्म होगा। ओके, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा ध्यान से थोड़ा सा रीड करना है, क्योंकि इसमें आपको जो अभी तक आपने सम्स किए हैं, पिछले सम्स किए हैं, उससे थोड़ा सा ये अलग है, डिफरेंट है बेटा। देखिएगा, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। यहाँ भी आपको साइड्स फाइंड करनी है ना, आपको क्या फाइंड करना है साइड्स। अब यहाँ देखिएगा बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन है ये, पॉलीगॉन हमारा कैसा है रेगुलर, यानी कि पॉलीगॉन हैज़ इक्वल साइड्स, हैव इफ़ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। ये बेटा जो 165 डिग्री आपको यहाँ दिया गया है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, है ना, कौन सा एंगल नहीं है एक्सटीरियर नहीं है, ये कौन सा है इंटीरियर एंगल है। ओके, जब आपको इंटीरियर एंगल दिया है भाई, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया जाता तो हम सीधे सीधे 360 को क्या करते, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते और हमें साइड्स मिल जाती। लेकिन जब इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है, फिर आप एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तभी तो आप डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए बेटा बहुत आसान है, वैसे तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिएगा, सॉल्यूशन में हम कर सकते हैं, इन अ पॉलीगॉन, बेटा पॉलीगॉन में क्या होता है देखो ध्यान से समझ लें, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रख लें, फॉर्मूला समझ लें इसे, तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाते हैं बेटा, है ना। मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्या है पॉलीगॉन, ये है, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल, इसमें आपका बेटा ये देखो, ये इंटीरियर एंगल है एक्स और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल वाई है। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमारा क्या है इनसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए इसको इंटीरियर बोल रहे हैं, है ना, और ये एंगल से क्या है आउटसाइड है, यानी कि बाहर की ओर है, तो ये हमारा बन गया एक्सटीरियर एंगल। लेकिन जब हम एक्स प्लस वाई को क्या करते हैं भाई, एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई को प्लस करेंगे, तो आपका ये कौन सा बनेगा, कितना बन जाएगा, ये आपका 180 बनता है। तो इसीलिए हम इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स और वाई हमारे क्या बन जाएंगे लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना बन जाएगा 180। तो हम यहीं से क्या करेंगे बेटे, इसकी हेल्प से ही, ओके, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारे पास 165 दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए 165 और प्लस एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ लिख सकते हैं, टोटल हमारा कितना बनेगा 180। अब एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे, तो आपका एक्सटीरियर एंगल बेटा आपको क्या करोगे बताइए, एक्सटीरियर एंगल हमारा जो आएगा वो 180 में से माइनस कर दीजिए क्या 165, तो आपको लेस करके क्या मिलता है बेटा, आपको 15 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 15 डिग्री, यानी कि यहाँ हमने अब जब हमें इंटीरियर एंगल दिया जाता था, ओके, तो उसकी हेल्प से हमने एक्सटीरियर एंगल की मेज़रमेंट निकाल ली, यानी कि मेज़र हमने कर लिया 15 डिग्री, ओके। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, नाउ नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ साइड्स इन दिस रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, अब हम इस पॉलीगॉन में क्या कर सकते हैं आसानी से बेटा, इसकी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ओके, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया 15 डिग्री, 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24 मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो साइड्स आ जाती हैं, ये साइड्स आ जाती हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, वो कितनी आ जाती हैं
24 आ जाती हैं और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स नाउ आई सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। बट क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ए एंड बी। ओके, यहाँ हमारा जो ए क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। ओके, यहाँ हमें बेटा एक कह रहा है रेगुलर पॉलीगॉन आप बनाइएगा और उसमें सबसे कम जो इंटीरियर एंगल होगा हमारा, यानी कि जो मेज़रमेंट होगी किसकी, इंटीरियर एंगल की, वो कितनी हो सकती है। ओके भाई, हमें मिनिमम लेना है, मिनिमम मानी सबसे कम। ओके, तो यहाँ बेटा मैं आपको बता सकता हूँ सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूशन में ए पार्ट सॉल्व करेंगे टेल मी व्हेन वी फॉर्म अ पॉलीगॉन हाउ मेनी साइड्स आर टेकन। ओके, जब हम कोई पॉलीगॉन बनाते हैं तो हम एटलीस्ट कितनी साइड्स ले सकते हैं बेटा, बताइए आप, कैन यू टेल मी। कोई भी पॉलीगॉन आप फॉर्म करेंगे तो आपको कम से कम क्या है, 3 साइड्स लेनी है बेटा। कितनी लेनी है, 3 साइड्स। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एट लीस्ट 3 साइड्स, है ना, 3 साइड्स तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। अब इस इमेज से आप समझ सकते हैं ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन हमें कम से कम कितनी साइड्स लेनी है बेटा, 3। देखिएगा, दिस इज़ फर्स्ट साइड, दिस इज़ सेकंड साइड, दिस इज़ थर्ड साइड। ओके, दिस इज़ फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इससे कम तो आप नहीं ले सकते, पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। तो इसमें बेटा जैसा कि आपको यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन दिया जाता है, दिस इज सेइंग दैट रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन भी हमारा रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मीनिंग है जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ आपको इंडिकेट किया है बेटा कि ए बी साइड जो है हमारी, ए बी वो हमारी बी सी के इक्वल है, बी सी के। ओके, और जो बी सी है वो सी ए के इक्वल है। ओके, और सी ए ए बी के इक्वल है, यानी कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर बेटा, जब आपके पास साइड्स कितनी हैं, 3 हैं, तो आप बेटा यहाँ पर देखो, जानते हैं आप, अगर हम एंगल देखते हैं इफ बी सी एंगल इनसाइड एंड ट्रायंगल, जब हम किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल देखते हैं ये हमारा इंटीरियर एंगल है। ओके, और बाहर वाला क्या कहलाएगा, एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल, और वाई हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो हमसे इंटीरियर एंगल के लिए पूछा जाता है कि कम से कम कितनी डिग्री का होगा, तो इसके लिए आपको बेटा जब इंटीरियर एंगल की आप क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या करें बेटा, इसके लिए जब साइड्स आपके पास 3 होती हैं तो आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन में, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालते हैं तो उसका लिए फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में जितनी साइड्स होती हैं आप उसे डिवाइड करते हैं, ये n हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। ओके, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर n की वैल्यू आप करेंगे 3, तो आपका हो जाएगा 3-2 और मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में आप क्या लगाएंगे, 3। 3 से 180 को डिवाइड कर दीजिए तो 60 में जाएगा, 3 में से यहाँ से 2 जाएगा तो हमारा 1, यानी कि हमारा जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू एटलीस्ट होगी, सबसे कम होगी, वो हमारी 60 डिग्री होगी, इससे कम नहीं हो सकता। ओके, साइड ज़्यादा होंगी तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू इंक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन
इससे कम नहीं होगी, ओके। तो हमारा कितना आएगा इंटीरियर एंगल, 60 ही आएगा, इसीलिए मैंने आगे समझ में, क्योंकि हम इसमें रीजन भी पूछ रहा है वो वाई, तो आप कह सकते हैं इसमें बिकॉज पॉलीगॉन कैन नॉट बी मेड ओके लेस देन 3 साइड्स, कि 3 साइड से कम पॉलीगॉन फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमारा ये ए पार्ट यहाँ सॉल्व होता है, और इसी के साथ मैं अब यहाँ बी पार्ट भी सॉल्व करूँगा बेटा। हम बी पार्ट भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जैसे कि अब बी पार्ट हम यहाँ इसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अभी हमने इंटीरियर एंगल कितने का निकाला, 60 का निकाला है। जब आपने इंटीरियर निकाल लिया तो एक्सटीरियर आप कम से कम का बेटा, ठीक है, मैक्सिमम कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल की क्या माप हो सकती है, क्या मेज़र हो सकता है, ओके। तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम मेज़र ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एन इन आर रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें बेटा आपको क्या करना है बताइएगा, इसके लिए बेटा आपको करना है जो आपका 180 डिग्री था, लीनियर पेयर बनता है ना, ये लीनियर पेयर बन जाता है, x प्लस वाई मैंने आपको बताया नीचे हमारा लीनियर पेयर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से जो आपका जो अभी इंटीरियर एंगल आया है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ओके। जब आप माइनस करेंगे तो आपको 180 में डिग्री में से अभी इंटीरियर एंगल हम कितना लाए थे, 60 डिग्री, तो आपका जो आंसर आएगा वो लेस करके कितना आ गया, 120 डिग्री, यानी कि इस पॉलीगॉन में, ठीक है, मैक्सिमम जो हमारा एक्सटीरियर एंगल की मेज़रमेंट होगी या मेज़र होगा वो बेटा 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम ही है, ओके। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ आपके सामने सॉल्व की है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस वेरी वेल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी सम कमेंट्स इन द एंड, एंड विद माई नेक्स्ट वीडियो आई विल श्योरली कम बिफोर यू, एंड टिल देन आई वुड लाइक टू से यू गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।